आज हम इस वीडियो 25B में लेसन 25 का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। तो वैसे तो हम बेसिक में हमने कल आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था, लेकिन आगे और भी है एंगल्स, एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, तो इसको और एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या होता है? तो कल मैंने आपको बताया, कल की वीडियो में, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन पॉइंट, इन सब के बारे में। तो रे आपको बताया मैंने, तो जब जो रे होती है ना, अगर टू रे का जो जो एंड पॉइंट है, अगर यहाँ पर अगर ये मिल रहा है, तो यहाँ एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एक एंगल बनता है। यहाँ पर एक रे क्या है, ओ बी है और एक ओ ए है। तो यहाँ पर टू रेस हैं, अगर यहाँ पर इनका एंड पॉइंट यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ एक एंगल बनता है। तो टू रेस हैविंग अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, क्लियर, द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कहने के मीनस ये आर्म होते हैं, ओ बी या ओ ए, ये आर्म है, और ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ मिला, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने इस फिगर का यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, ओ ए और ओ बी क्या है, आर्म है, ओ ए क्या है, वर्टेक्स है, और एंगल ए ओ बी क्या है, एक एंगल है। क्लियर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंगल का, तो वो आप देखते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ यहाँ पर क्या करना है आपको, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। जैसे कि अगर आपको जैसे कोई एंगल ड्रा करना है, जैसे मान लेते हैं 50 डिग्री, तो आप सबसे पहले इस लाइन पर, ये लाइन है, इस लाइन पर इस प्रोट्रैक्टर को रखें आप लोग। ये होता है प्रोट्रैक्टर, जानते हैं आप लोग क्या होता है, ये होता है प्रोट्रैक्टर। ठीक, और आपको 50 लेना है, तो 50 के जस्ट ऊपर इस लाइन को रखें आप लोग। यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट मार दें, और इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग ऐसे ड्रा करें, ऐसे, क्लियर। तो ऐसे एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। तो आप समझिए आप लोग इस बात को। ठीक, एंगल क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। तो एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं एंगल के, तो देखते हैं इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। 0 से और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। जैसे 50 है, 40 है, 60 है, 75 है, 80 है, ये सब एक्यूट एंगल में आते हैं। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, जैसे कि इसमें लिखा है। ठीक, ऑब्टूस एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 और 180 डिग्री के बीच में होती है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90, जो 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल, क्लियर। तो कहने का मीन्स यह है, 120 क्या है, 120 एक ऑब्टूस एंगल है, 160 ऑब्टूस एंगल है, 170 ऑब्टूस एंगल है, 150 ऑब्टूस एंगल है, 145 ऑब्टूस एंगल है, ये सब ऑब्टूस एंगल में आते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट कितने होती है, जिसकी मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में होती है, या कहने का मीन्स ये है जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो वो ऑब्टूस एंगल होता है। जैसे 240 क्या है, ऑब्टूस एंगल है, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल है, क्लियर। तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री होती है। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। ठीक, जैसे कि इसमें ये दिया है, कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है, समझे आप लोग। तो क्वेश्चन में अभी हमने क्वेश्चन पे नहीं पहुँचे हैं, एक्सरसाइज पे नहीं पहुँचे हैं, हमने आज और कल आपको बेसिक ही एक्सप्लेन किया। लेसन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमने कल भी एक्सप्लेन, हमने कुछ टॉपिक इसका क्लियर किया था, हमने एक्सप्लेन किया था, आज भी हमने कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब बस यही है, वीडियोस को देखिए। अगर आप लोग आज की वीडियो और कल की वीडियो, कहना कि मीन्स ये है कि लेसन 25 का जो बेसिक है, अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है जो बेसिक में हम लोग ना समझाएं आपको। ठीक, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय।